हेलो भाई, तो कैसे हैं आप लोग? फ्रॉम योर नो पा गए हैं एक और फेस टू फेस चैलेंज रेस के साथ। गाइस मस्त एरोप्लेन के साथ स्टार्ट हुई है और हमने जाना है ऊपर की तरफ। ये नोब भी जानती है, पहले एक बार ना नोब के साथ प्रैंक कर दिया था, मैंने बताया ही नहीं उसको ऊपर जाना है, बट अभी उस चिलाक को मालूम है कि ऊपर जाना है। बड़ी तेज है वो, तो ऊपर की तरफ आ रही। ओ मेरा तो एरोप्लेन भी टूट गया था। तो गाइस पहले हमको मिलने वाली है बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में जल्दी जल्दी बाइसाइकिल लेके भाग जाती हूँ अपनी नोब की बाइसाइकिल के साथ। Nope. उसको पटक पटक के गिरा गिरा के मारेंगे उसको। जल्दी जल्दी अपनी बाइसाइकिल नोब आ रही होगी, बट मुझे नोब ना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मुझे लगता है उससे प्लेन नहीं चल रहा है, क्योंकि प्लेन उससे अमूमन नहीं चलता है। और ये वाला जो प्लान है ना, थोड़ा सा लाइक चलाना इसके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है उसको। आपको पता है आपकी टीम प्रो है, प्रो लोगों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, बस एक बार आप पकड़ा दो। मैं तो रियल में भी प्लेन चला लूँगी विदाउट एनी डिग्री। तो पायलट की कोई डिग्री नहीं है, मैं फिर भी अच्छे से चला लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यू नो आपकी टीम कितनी प्रो है, बट मजाक कर रही हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मत कीजिएगा। ऐसा कोई सीन नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है? तो गाइस नोब लैंडिंग करवाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, जबकि मैंने उसे बताया था कि बेटा इसको वैसे ही लैंड करवाते हैं, नीचे की तरफ लेकर आते हैं जैसे हेलीकॉप्टर को लेकर आते हैं। तो फाइनली कि वो पहुंच गई है, बट मुझे लगता नहीं कि वो पहुंच पाएगी। ओके तो फाइनली एक बार फिर जो आजा नोब, जल्दी आजा, इतनी अच्छी गाड़ी है मेरे पास, आजा। कब तक आएगी चुड़ैल, मेरी गाड़ी मिस हो जाएगी, इतनी अच्छी तुझे कट लगाने वाली गाड़ी, जल्दी आजा। फैंटम है जे मेरे पास, जल्दी जल्दी कर, डिलीवर कर। नोबड़ी कहीं की प्रो बोलो नोबड़ी को, आती वाती है नहीं कोई चलाने वाला, जल्दी आ जल्दी फटाफट। बट गाइस ओवरऑल गाड़ियां बहुत अच्छे से चलाती है, लेकिन अभी उससे जहाज नहीं चल रही है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो गया उसके लिए। गाड़ियों की प्रैक्टिस उसको काफ़ी अच्छे से मार पीट करती है, धुलाई वुलाई लगाती है मेरी भी और खुद भी पिटती है। बट अभी मेरे पास है टैंक। ओके दो बाजा जल्दी, तू बाइसाइकिल लाएगी और मैं तेरी चटनी बनाऊंगी, चटनी जल्दी आ। तो गाइस ओवरऑल नोब मुझे लगता है आ चुकी है, और उसका जो जहाज़ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। शायद उसे टर्न किया होगा, उस वक्त टर्न नहीं हो रहा था उससे, क्योंकि उसको चलानी नहीं आ रही थी। बट अभी मुझे लगता है कि वो पहुंच गई है, और ऑलमोस्ट पहुंच गई, और साइकिल है उसके पास। अब तो वो गई मेरे ख्याल से, तो अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आ जाते तो छोड़ूंगी नहीं। अरे गिरी। देन फाइनली मैंने उसको गिरा दिया है, और अब तो मस्त सीन है, और मेरे पास है खिरोमा। अब मैं उसका बनाऊंगी कीमा, कोरमे से कीमा बनाऊंगी। ओके अभी भी नहीं गिरी, बचत हो गई, बच गई। लड़ेगी मुझसे, लड़ेगी, आ जा निकल। एंड फाइनली नोब को दो बार ऐसा कस कस के गिराया है। नोब याद रखने वाली है, मजा आ जाएगा उसको, मजा चखा दिया है मैंने। जल्दी से क्रोमा को डिलीवर करके आते हैं आप लोगों, जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक मारो, गाइस लाइक मारो जल्दी से वीडियो को। और फाइनली मेरे पास है चार नो बुक से बचकर जा सकती है अपनी छोटी सी कमजोर सी बाइसाइकिल लेके। और किधर है ये बाइसाइकिल लेकर आ रही है, तो बचना ना पाए, बचने नहीं। मेरा ओ बेचारा चार नो बोग गिर गया, गरीब गिर गया, डूब के पास पीछे आई है वैन, और वैन को मैं गिरा सकती हूँ अगरचे मैं गाड़ी को ब्रेक लगाऊं। बट ओके पंगा तो सबसे पहले ये लड़की करेगी, इसको तो पंगा सबसे पहले पड़ा होता है। आ जा अब तेरे को बताती हूँ, तेरे को दिखाती हूँ अपनी ताकत, दिखाती हूँ मैं कितनी ज्यादा। एक शेर से पंगा ले रही है बकरी को सोचना चाहिए, लोमड़ी बोल सकते हैं, सोचना चाहिए कि शेरनी के आगे क्या क्या कर सकती है वो छोटी सी गाड़ी और छोटी सी बकरी बोलो या लोमड़ी बोलो। चिलाकी के हिसाब से मुझे कहती है कि मुझे मारना नहीं, मेरी साइकिल डिलीवर करने दो, मैं बड़ी कमज़ोर हूँ। बट अरे ये क्या दे दिया, अरे 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 अब तो नो मेरी भेंड बजा देगी। ये ट्रक तो रोने वाला ट्रक है, मतलब मरगिल्ला ट्रक है, ये तो बहुत बेकार है, बहुत नचाएगा मेरे को, बहुत रुलाएगा मुझे। वो लगता है वहाँ जाते जाते ना गाइस कल होने वाली है, मतलब पूरा एक दिन गुजर जाएगा इसको वहाँ पहुँचते, क्योंकि इतनी लंबी रैंप है, छोटी भी नहीं है रैंप, बहुत लंबी है, तो काफ़ी खतरनाक सीन है। नोब के पास तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी आने वाली है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ मुझे स्टार्टिंग में भी बढ़िया मिली थी, और नोब जब तक वो एरोप्लेन को लेकर आ रही थी तब तक मैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ डिलीवर कर चुकी थी, ऑलमोस्ट 4 गाड़ियाँ। बट नोब तो अभी अभी फ्रेश उतरी है मैदान में,
तो नुब मेरे को मजे चिखाने वाली है, मुझे मारने वाली है, टैंक ला रही है, टैंक बचाओ मुझे, बचाओ, जा आ जा आ जा। अरे 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 गाइस, पूरा ट्रक लेकर पे, टैंक लेकर मेरे ऊपर ट्रक पे चढ़ गई है। निकल, कचरे की तरह गिरा दूंगी तेरे को, निकल। अरे मुझे तो छोड़ दे, मैं इतनी दूर से लेकर आई थी, इतनी दूर से लाई थी इस बेकार से ट्रक को। तो गाइस अभी उसको जाने देते हैं, मैं तो उसके पीछे पीछे जाऊंगी, बट पीछे जाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो आगे से गाड़ी ला के हमला कर सकती है। अभी वो लेकर गई है ओमिनियस, फटाफट भागते हैं यहाँ से, बहुत खतरनाक सीन है। आई थिंक ओमिनियस था, ओमिनियस कौन सी गाड़ी थी ये नहीं मालूम, बट लग वही रही थी। और अभी मैं छोड़ के आती हूँ मेरा भी, अरे चुड़ैल चुड़ैल मतला अपनी, अरे हुई गाइस कितना खतरनाक पंगा ले रही है, मतलब ये किसी ना किसी रेस का बदला उतार रही है मुझसे, क्योंकि इसने जो गंदा सीन किया है ना, गाड़ी को बिल्कुल नीचे से ट्रक को उछाल दिया और गाड़ी को नीचे से निकाल के ले गई है, बहुत ही गलत सीन है, बहुत बहुत गलत सीन किया उसने। बस आने दे मेरे पास कोई अच्छी गाड़ी, उसके बाद तेरी बैंड ना बचाई ना, बेटा तू भी ये ट्रक लेकर आएगी ना फट, तो मैंने तेरे को जीतने क्या, तेरे को मैंने DNF इतना गंदा DNF करवाना है ना, फिर देख मैं तेरी बैंड बजा दूंगी, बैंड बजा दूंगी। अरे भाई चल, क्या कर रहे हैं, कैसा ट्रक है, चार भूग ला रही है। मैं नहीं गिरने के मूड में, मैं गिरने के मूड में नहीं हूँ, निकल ले। क्या बात है गाइस, वैसे ट्रक बहुत स्लो है लेकिन ओवरऑल मुझे पावरफुल लग रहा है, क्योंकि नुब के चार नुब के उसने पूरा उठा दिया है, टैंक को भी इसने उठा दिया था, बट टैंक तो मेरे को साथ लेके ही डूबा था, कह रहा था चल मैं डूबूंगा ना तो तुझे भी लेकर डूबूंगा, तो टैंक ने तो वो वाला सीन किया था। बात चारनो बुक के मामले में ऐसा सीन नहीं हुआ है, क्योंकि चारनो बुक बेचारा तो खुद गिर गया और नुब आगे से आ रही है, मेरे लिए हर वक्त खतरा बना हुआ है। चली जा यहाँ से, इज्जत से चली जा। तो नुब ने ना इज्जत से पंगा ही नहीं लिया मुझसे, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो फिर से गिर जाएगी और उसे यही वाला ट्रक लाना है अभी। तो नुब को मैं दिखा रही हूँ कितना खतरनाक मुँह है इसका, मेरे से पंगा लेगी ना तो हड़प जाएगा, जैसे कि मछली हड़प लेती है ना पूरे साबुत इंसान को, तो वही वाला सीन है। तो कई चीज़ को लेकर, अरे क्यों आ गई तू, क्यों आ गई, तेरे से एक चार नो भूख नहीं चल रहा, चली जा यहाँ से, मत ले पंगा, मैं कह रही हूँ पंगा लिया ना तूने, तू पंगा गाइस गाइस वो चार नो भूख से भी पंगा नहीं ले पा रही हो, बहुत खतरनाक ट्रक है ये वाली, तो हल्का नहीं समझना इस ट्रक को, काफ़ी अच्छी ट्रक है ये। फिर आई मारने के लिए, फिर आई लेकिन वो बेचारी मार नहीं सकी, अभी लेकर जा रही है वो चारनो बुक, तो हम उसके पीछे पीछे रहेंगे ज़्यादा। फिर से गिर गई वो, लगता है उसका चारनो बुक उससे बेचारी से बैलेंस नहीं हो रहा है, संभल नहीं रहा है, क्योंकि उसको गाड़ियाँ ठीक से संभाल ही नहीं आती है, बट कोई कोई गाड़ी तो इतनी डेंजरस चलाती है कि मुझे रुला देती है। कहती फ्रॉगी तो कितना रोती है जबकि जीतती भी मैं हूँ गाइस, अगर चे वो ज़्यादा रोए और वो हारती है फिर भी कितनी मजबूत बनी रहती है ना, मैं तो उसके सामने ऐसी ड्रामे करती हूँ। फिल अभी मेरे पास है स्पोर्ट्स कार, और स्पोर्ट्स कार की चटनी बनने वाली थी इतने बड़े चारनो बुक के आगे, और उसने भी बहुत टाइम के बाद चारनो बुक डिलीवर कर दिया है। अब उसकी बारी है मुझसे कुट खाने की, क्योंकि मेरे पास है फैंटम वेज, और फैंटम वेज से कैसे बच सकती है, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और उसको आगे आने देते हैं ताकि वो रोते रोते आगे आए और उसको मैं रोते रोते गिरा दूँ, बट वो आने में ना मुझे लगता है एक दो सदी तो लगा देगा मेरे ख्याल से, तो मुझे चले जाना चाहिए उसके पास पास, थोड़ा करीब करीब रख के, ताकि वो आगे आएगी ना उसको ऐसा मज़ा चखाऊंगी ऐसा। उसने बहुत रुलाया मुझे इस ट्रक पे, बहुत रुलाया, इधर आ चुड़ैल कहीं की, निकल यहाँ से, चल निकल, नीचे गिर जा। अभी मेरे पास ओके चार नो बुक, अब उसको ना मज़ा चखाते हैं, एक प्लान करते हैं, उसको मारने का प्लान करते हैं, उसको आगे जाने देते हैं। मैं बहुत स्नीकी मोड पर उसके पीछे पीछे जाऊँगी, उसको लगना चाहिए कि मैं उसे मारने नहीं वाली हूँ, वो उसको प्यार से डिलीवर करने देते हैं, और एंड टाइम पे जब वो डिलीवर करने वाली होगी ना, एंड टाइम पे उसको ऐसा कस के मारूंगी इसके मुंह से, इतना वजनी ट्रक है ये, बस इसकी बैंड बजाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आगे से आ रही होती ना तो ये मुझ पर हमला करती, जैसे इसका ट्रक गिर रहा था तो शायद मेरा भी गिरता, ऑफकोर्स अच्छे से चला लेती हूँ, बट अभी मज़ा चखा, पीछे पीछे जाऊँगी जैसे कि बिल्ली ना शिकार के लिए ऐसे सूंघते सूंघते जाती है ना, ऐसा वाला सूंघते सूंघते जा रही हूँ करके। तो अभी ना बहुत ही प्यार के साथ जाते हैं, और नुब बेचारी अभी आराम आराम से रोते 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 जा रही है, और इसको महसूस भी नहीं होने देंगे कि हम इसके साथ सीन क्या करने वाले हैं, अभी इसका तो बैंड बजाने वाली हूँ मैं। ऐसे जा रही है बिल्कुल जैसे चूज़े नहीं जाते, छोटे छोटे से येलो येलो चूज़े होते हैं मुर्गी के, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला सीन लग रहा है। और अभी जब मैं इसके ऊपर हमला करूँगी, हमला जब मैं देखूँगी ना इधर उधर कोई नहीं है, हमला करो, हमला शिकार को, हमला करो, बस 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 बेटा बस, कहानी ख़त्म, तेरी इतनी कहानी काफ़ी है,
चल अब नीचे गिर जा, चल समंदर में जाके चेक करके सारा सामान उठा के ला खजाना। तो गाइस मैंने उसको कितना एंड टाइम पे गिराया, कितना रो रही होगी, अब नहीं आऊंगी मैं खेलने के लिए, बदतमीज हरा देती है मुझे। तो गाइस इतना मजा चिखाया मैंने, नहीं विनिंग फ्लैग के साथ साथ मेरे पास तो पुशकल आ गई है, मेरी बाइसाइकिल इतनी क्यूट सी पुशकल आ गई है। पुशकल बचपन में चलाने में मजा आता था बट अभी नहीं अच्छा लगता। पुशकल बाइसाइकिल हरा देती है, और फेस टू फेस में तो स्पेशली बाइसाइकिल का तो कोई काम होना भी नहीं चाहिए, बट अच्छी लगती है। ठीक है, आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। इससे कौन कौन है जो अभी भी बाइसाइकिल चलाते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, और बताना कि आप लोगों को साइकिल बाइसाइकिल चलाने में अच्छा लगता है लाइक साइकिल। मैं तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो नुब ला रही थी और मुझे मारने का उसका फुल टाइम चांस था, बट मैंने उसको मारने नहीं दिया। और एक बार फिर से आ रहा है मेरे पास एरोप्लेन। नुब एरोप्लेन तक पहुँच जाइए उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बट ठीक है उससे चलता भी नहीं वैसे तो, पर मैं लेकर जा रही हूँ अपना प्लेन। बाय बाय नुब, बाय 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 बाय। और मुझे जाना है विनिंग फ्लैग के लिए, आई थिंक नीचे ही जाना होगा जहाँ से हम ऊपर की तरफ आए थे। तो और ये टर्न करके भी नुब लेकर जा सकती थी इस वाले जहाज़ को, क्योंकि काफ़ी अच्छा है लाइक टर्न करके आपको डर नहीं लगता, बट मुझे कभी कभी लग भी जाता है। एंड ये देखो प्रो दी का प्रो स्टंट। तो आपने देखा कितनी आराम से प्लेन चला कर लाई हूँ, पर अभी ये ट्रक इतना रोएगा 17 सेकंड्स के पास। आई थिंक ये वाला तो डिलीवर कर देगी, आई थिंक तो। इसकी स्पीड वैसे काफ़ी स्लो है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बैलगाड़ी से ज़्यादा फास्ट चलती होगी अगर उसको बेचारी को फोर्स किया जाए कि बेटा चल बेटा चल। इस पे तो मशीनरी इतनी स्लो लगी हुई, और 1 सेकंड रह गया था गाइस, GNF हो गया उसका। तो मैं नुब को जाकर मना के आती हूँ, आप लोग भी थोड़ी हेल्प करो, वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ जल्दी से जाओ नुब को मना के लेकर आती हूँ मैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये नुब के लिए विनिंग टोस्ट खतरनाक सा, तो टेक केयर एंड बाय बाय नुब।